ਸਿਆਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੈਫੀਅਤ। ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਚੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਖੈਰਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਤਨ 'ਤੇ ਟੋਰ ਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਪੀਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰੋਮਣ ਵੀ ਡਾਹ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਸੁਚੇਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਯਾਰ ਸ਼ਬੀਹ ਜ਼ੁਲਜ਼ਨਾਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਨੇ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਨੇ, ਡਾਹ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਅਲਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਸ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ 13 ਜ਼ਰਬਾ ਤੱਕ ਮੁਹਰਮ ਮਨਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਮਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਮਾ ਗੋ ਰੋਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇ, ਕਿ ਜ਼ਰਬਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਰੋਵਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਕ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਮਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਬਾਈ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਸ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਮੁੱਕਦਾ, ਬੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਰਾ ਦੇ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇੜ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕੇ ਬੇੜ ਨਾਲ ਕੈਫੀਅਤ ਕੇ ਬਣੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟੋਰ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋੜੀ ਕਰੋ, ਸੈਣ ਕੋਲ ਪਿੰਨ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੈਣ ਇਹ ਮਰਸੀਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਜ਼ਰਬਾ ਮੁਕੀਆਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੋਈ ਮਾਲ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਫਕਤ ਜ਼ਰ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇੰਜ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਜਰਾ ਅਰਬ ਤੇ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥੇ 'ਚ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸ਼ਰ ਸਾਨੀ
अशरा हवाले तो बर्ची सुनी आई तीर सुनाई त्रै फला काजी दे कटे पास उतर ने 13 रुपए दा मत ब्रज कर बैठे हुण बुरका सुन और गुरबत दी अखीर सुन ताकि तेरा ए भी सवाल मुके ओ मेरा कलमा गो भाई कि रोमन किथे लिखा है ते मातम किथे लिखा है। पहली बात है ये मातम ते रोमन दा ताल्लुक लिखे नाल नहीं, इदा ताल्लुक है फितरत नाल। अगर तेरा कोई जवान कुठा पिया होवे ते तू बेवस फाल खोली वदा होवे ते तेरे कोल पुछे कोई कि ए केड़ी किताब विच रोंदा वदे तेरे जिगर ते जरब तक सी तेरा कलेजा चिरी सी तू लड़ पोसे यार मेरा जवान कुठा पे ते तू आदे केड़े किताब विच ए पिटणे जेड़े घर दी कहानी मैं पे पढ़दा मेरा अलम ते हथे जनाजा 72 पे जिन्हें मातम करने उन्होंने हाथ जिन्हें दिहाए जाकिर की मिन्नत की मोहताज नहीं उन्होंने आए निकल गई जिन्हें मातम वाले हाथ इन्होंने दिनों सिर्फ जलूस नहीं मालिका की इतने फूड़ी ते भी जिन्हें मातम वाले हाथ तैयार होंगे आओ कोई वाकया हो गया ना बंदे पुछते बते होंगे कि अग लगी किथे पीर गुलाम बादशाह सोना शाह बाबा मरहूम बोड़िया वाले कैसी जाकरी का दौर आई कैसे अदीब लोग उना लफ्ज अग मुल्क च दसा क्यों कलमा गो के सुन अगा दुनिया च हिस्ट्री च होर भी लगिया ने बंदे अग लगन दा टाइम ही पढ़ते ने लिखते ने अग बुझण दा टाइम ही लेकिन अज 16 मुहर्रम है अशर सानी ऐन इन्हां ही दिनां दी कैफियत दा ए बजुर्गां दा बंदे लफ्ज अग तू ज़हन च रख अगां बड़िया बड़िया लगिया हुसैन जेड़ी अग मैं खड़ा पड़दा 16 मुहर्रम दी दुख दी कसम है गाजी आलम सामने उन्हां बजुर्गां पढ़िया लगी असर नक्शा पहले समझ लवे मेरे बाप कल टैक्स ले एक आलम दीन आई कराची दे पीर ज़ुल्फ़िकार शाह जी आदर सैयद अगर मेरे को टाइम होता ना तो मेरा दिल आई कि पांच सारी रात नहीं तू या सत्तर से डिग्री में पढ़नी है इमाम जेड़े नु इमाम का मनसब मिला है वो तो कोल कहे ना कहे इमाम का पहला मसला पूछा है मैं त्रीजी सत्तर है कोई इमाम का मसला पढ़ रहा है ते तू समातम करने लगी असर पहला मसला चौथा
सामने है कम मसल जड़े चुप कर गयो क्या कू खोल चटल अच्छा बाबा नौ करा है कम मसल गैरत रोवेंदी है और जिवें भाई अली जाफर ते पया है अशरे सानी दा ताल्लुक ता हे भी गैरत नाल गयूर आओ जरा फौजी लुट के निकले ने चलो उस्ताद मरहूम बावे रिया शाह जी का मरसिए तो पहले एक उन्हें का बच्चा पढ़ता जरा शिमर अपने दुए हाथ जेड़े बंदे थे बाबा जी जेन चे जो शिमर के दोवें हथा ओ चीजा केड़िया अगर ओ चीजा तेरे जेन चे तब मेरे को बार बार न पढ़ा शिमर दो में आ तुझे की चल फौजिया दे आप देखे मेरे दिल तेरे कदम ही देखे न फैमेने आते ऊती ला मातम करे सुन्नी फकत ठड़ा साज भरे सदात मुमिनीन आम दिना ची इस मरसिए दा ताल्लुक मातम ना ले बात भाई अलीजा दी लफ्ज़ दी सोनी जाकरी के जड़े करबला पयान तत्ती रेते ओ भी जनाजियां ते जड़े शाम तुरे बैंदे आने जनाजा चो उस शाम के काफले की सलार बीबी मजदूर बीबीओ एक मेहरबानी कर बाकी कहती लाश से जल्दी बिच कोई एक अद्ध बैंड करो तो कर लवे लेकिन उम्मल बनीन दे चंद की लाश तो चुप करके लगाए ते बीबियां लंघियां भी चुप करके मूं दा पुरसा जिवण आले यसीन ते हथ मारण आले जिहड़ा खुद चुप दा सुल्तान आई जिहड़ा बीबियां दी चुप डिठी सी ए चुप गाजी नूं खा गई जिहड़े समझदे हो इन्हां दिनां दा मातम ओ जाकरी ते जाकर दा मोहताज नहीं आओ मैं सैण कोल पिन्ना थोड़े जेन एक सवाल तो उठा कि हम तो 120 उम्मल बनीन का वफादार 120 चो कह नाल बोले बजुर्ग इन पढ़ते हैं कह वड्डी बीबी नाल नहीं बोला गाजी उंदे नाल बोले जिंदे कन्ना चो रत पई वांदी बंदे मुल्क च ओके ओके सवाल कर दे सैयद जेड़ा माफी मंगदा है ओ तां हथ चुड़ैंदा है ते जिंदे हथ ही कोई ना उंदी लाश फकत तड़पदी है कैनात दी गुरबत उंदी अखी जे ते माफी जख्मी करने वाली कोल गाजी की में मंगी है रो रो के प्यार है मैं घूमा करे मैं बदूम जी जी करे मैं बदानी
ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਵਤਨਾ ਤੇਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੇਖੇ ਯਾ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਸ਼ੋ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਪਿੱਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕਾ ਬੈਠਾ ਸਜਾ ਤੂੰ ਨਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮਾਤਮ ਤੇ ਰੋਮ ਨਸੀਬ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮਾ पूरे मुल्क भाई मुश्ताक शाह जी हाय मैं घुमा करे मखदूम दीदी तोरे मान बता नहीं चंगिया मैं कोई पहुंचा नहीं चंगिया जद लुट पई है कईया मदे विच लत दोर ने भुला नहीं चंगिया मजबूर मुआ नहीं दो माफिया इस मरसीयत मैं पूरे मुल्क इस पढ़िया एक सुन लई ने ओदा मातम कीता ने ओ छोटी बतूल दी माफी अगली माफी के दे कोल अलमा वाले दी लाश कुछ बुलंद हुई है सच्चा मैं मासूमा कोल माफी मंग लई शाम मंजर तो पहले मेरी सरदार दादी अली दी शर्मा वाली थी नू मेरी लाश दे करीब बुलाओ एक माफी मैं बड़ी सैन कोल मंग रही है ओ माफी बंदे बर्दाश्त ही नहीं करते सैना दे हुकुम कर ओ मेरा सामन वीर लाश तड़पी रो रो के प्यार ते मैं कुपा अगर रोका ने तो बात लाभ से लुट हाय मैं कुपच मुरबत माफ कराए थानू उठोया मैं बुलाया है और बार बार हटना मेरी जाकरी ना मिजाज तो नहीं लेकिन अल्लाह वास्ते बार बार ना फटाओ लफ्ज लुट तू चुकी मैं मतलब सच शुरू की थी आई ते इन दिन का ताल्लुक शहादत नालू ज्यादा लुट ना ले बात लफ्ज लुट दे चौथे इमाम अपने कट्टे बाजू वाले चाचे ना लफ्ज लुट दे चाचे की लाश ते छड़ के एक बात की थी अगर फलाई त